थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना, इमरान खान का वहां पर ये बयान हिंदुस्तान के चैनल पर, उसको क्लैरिफाई करने में मुश्किल हो रही है। आपने अपनी पार्टी को बचाने के लिए या उसे मजबूत करने के लिए उस इदारे को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है कि हिंदुस्तान के चैनल पर बोलने में आपको दिक्कत आ रही है, मान लीजिए ना ये बात। आप लोगों की तो ख्वाहिश होगी ना, इंडिया की तो ख्वाहिश होगी ना, इंडिया की तो ख्वाहिश होगी कि पाक फौज के हवाले से, आईएसआई के हवाले से खूब दूध मका, खूब जनाब क्रिटिसिज्म, खूब कंट्रोवर्सी, वो तो आपकी ख्वाहिश होगी। हमारी ख्वाहिश नहीं है, आपके पिछले छह सालों में आपके, हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये हमारा ये हमारा एम है सर कि आईएसआई को एक्सपोज करना है। अब वो आप ही कर दे रहे हैं तो थैंक यू सो मच। मैं एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हूँ और मैं उसी हद तक आपके सामने, हाँ सर मुश्किल हो रही है, लेकिन ये बात सुनिए, आप एक बस एक क्लैरिफिकेशन के लिए कह रही हूँ फैयाज भाई, मेरी बात सुनिए, मैं आपको नहीं, एक ही एजेंडा नहीं है आपका, जो एक ही एजेंडा उसे एक्सपोज करना है सर, और वो हम नहीं कर रहे हैं, वो आज की तारीख में मेरे तो डियर मोस्ट हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने आईएसआई की पोल खोलने का अब जो है राधा बना लिया है, और इसीलिए हमें तो वो इस बार थोड़े पसंद आएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू फैयाज साहब, मेरे पास वक्त की कमी है लेकिन आगे भी आपसे मुलाकात करने की मैं इच्छुक रहूंगी।